और भुरकुंडा रिवर साइड क्षेत्र के आकाशदीप कॉलोनी में लगभग 40 की संख्या में कोयला मजदूर रहते हैं, लेकिन सभी लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है। भीषण गर्मी की शुरुआत हो गया है, लेकिन सीसीएल अधिकारी इस मामले पर गंभीर नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मुझे 4-5 दिन पहले खबर मिली थी, भुरकुंडा रिवर साइड आकाशदीप कॉलोनी में पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। इस विषय पर हम पूर्व में स्टाफ ऑफिसर सिविल प्रधान साहब से, ओवरसीयर और सिविल इंजीनियर से टेलीफोन के माध्यम से मैं बात किया था। वो लोग आए भी यहाँ थे, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम हम लोग के सामने निकल के नहीं आया। तो आज मैं खुद यहाँ आया हूँ और आने के बाद देखा कि वाकई में स्थिति बहुत ख़राब है। और जो स्टॉक पानी है, जो कुआँ का, जो हमारे वर्कर्स जो सीसीएल में काम करते हैं, है ना, तो उनको ये गंदा पानी पीने के लिए, नहाने के लिए दिया जा रहा है। इस संदर्भ में ओवरसीयर से और जनरल मैनेजर बरकासियाल एरिया से टेलीफोन के माध्यम से मैं तुरंत बात किया और यह आश्वासन दिया गया कि इस पर इमीडिएट तुरंत कार्रवाई होगी। हम मौजूद है भुरकुंडा के रिवर साइड आकाशदीप क्षेत्र में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुआ का पानी है, हमने वो विजुअल को कैद किया है, जहाँ पर कुएँ का पानी पूरी तरह से गंदा है और इस पानी को अगर जो पिएगा तो बीमार हो सकती है। यहाँ के लोग पानी बाहर से खेल रहे हैं, लगभग 40 से संख्या में यहाँ पर सीसीएल कर्मी है, कर्मी है, लेकिन पानी से वंचित है। आप देख सकते हैं यह आकाशदीप बिल्डिंग है, जहाँ पर इस बिल्डिंग में कई मजदूर रहते हैं और उनकी पानी समस्याएं बहुत है, लेकिन पानी समस्या कब हल होगी ये देख कर कहना पड़ेगा। हमारे साथ यूनियन लोग हैं, पानी की समस्या में मजबूर है, गंदा पानी पीने पर मजबूर है। क्या आप भी उससे पानी पीते हैं या अधिकारी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है और आप अपने विजुअल में कैद किए हैं इस बात को, ये बिल्कुल अमानवीय है और इस विषय पे अभी तुरंत में ओवरसीयर से अर्जेंट किया गया है। पैसा आती है लेकिन गंदा पानी पीने में, देखिए सीसीएल में वेलफेयर फंड में या सेफ्टी के फंड में पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है आपकी सकारात्मक सोच की, आपके पहल की। ये पूरी तरह मैनेजमेंट का विफलता है, ये मैनेजमेंट को मैं दोषी मानूंगा, मैनेजमेंट की पूरी तरह विफलता है कि आज यहाँ ये स्थिति में है। हमारे सीसीएल के एम्प्लॉय यहाँ 38 से 40 की संख्या में हमारे कामगार यहाँ काम करते हैं और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सीसीएल मद में पैसे की कोई कमी नहीं है। इस विषय पे हम एक दो दिन का समय लिए हैं, नहीं होगा तो मैं जाकर जनरल मैनेजर से, महाप्रबंधक बरकासियाल एरिया से, स्टाफ ऑफिसर सिविल से इस संदर्भ में मैं बात करूंगा। कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या होगा? कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। होंगे जी, किस पार्टी से? मैं ITUC से हूँ, मेरा नाम विकास कुमार है, सीसीएल सेफ्टी बोर्ड मेंबर। इन्होंने कहा कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे हम। वो तस्वीर आपको बता रहे हैं जो पानी पूरी तरह से गंदा है, आप देख सकते हैं साफ कैमरों में, जहाँ पर ये कुआं का पानी है और पूरी तरह से गंदा है, जिसे जानवर भी नहीं पी सकता इस पानी को, इतना गंदा पानी है। ऐसे में सीसीएल प्रबंधक हो या जिला के कई अधिकारी, DC सहित कई अधिकारी पानी का अगर लेकर सैंपल जाए, उन्हें भी साफ स्पष्ट पता चलेगा कि पानी कितना नरक जैसा जिंदगी है। रफ्तार में देखने में गुड्डू पांडे रहा।